बहुत ही मस्त जगह है और बहुत ही अच्छा मनमोहक जगह है, यहाँ पे मज़ा आ जाता है हर चीज़ में। और देखिए हमारे विकास बाबू नज़र आते होंगे उधर, देखिए बढ़िया खत्म। पुल पर फोटो खींचना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना। ये है बोट, जूम करके दिखा दो, ये है बोट, आप लोग घूम सकते हैं इस बोट पे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? हम लोग देखिए अभी आप लोग सीन देख के, आप लोग सीन देखेंगे तो कुछ अनुभव हुआ होगा कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी तिलैया डैम आ चुके हैं और तिलैया डैम में बहुत अच्छा सीन है, आप देख सकते हैं। हमारे पीछे तरफ देख सकते हैं बहुत लंबा पुल है और वहाँ पे लिखा था कि पुल पर फोटो खींचने मना है, लेकिन हम लोग वीडियो ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इधर देखिए ये पावर प्लांट में पानी जाता है मतलब डैम से। देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, गेट लगता है खुला हल्का, अपाची वहाँ पे खड़ा है वो, तो नहीं घुसेंगे हम लोग, डर लगता है डैम में उठा फेंक देगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा गांव का नज़ारा, ये बूढ़ी विजय चौक है और यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है। अभी हम लोग को तिलैया बरही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई होता है। माउंट ओलिवेट है ये स्कूल, बहुत ही अभी फेमस है हमारे पंचायत विजय पंचायत में, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई अच्छा शिक्षा दिया जाता है। इस स्कूल का संचालन विजय यादव सर हैं, ये हमारा गुंडियो गांव है, यहीं से इनका प्रवेश द्वार है। और हम लोग और दिखाते हैं, बने रहिए हम लोग के लाइव के साथ। ये हमारे ड्राइवर साहब विकास बाबू, जिन्हें आप लोग तो पहचानते ही होंगे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अभी मोदी टोला तो विजय गांव के अंतर्गत में ही आता है ये मोदी टोला, हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं और दिखाते हैं। मोदी टोला भी काफी विकास की ओर बढ़ रहा है हमारा विजय पंचायत में, कहीं कहीं रास्ता खराब हो गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग ऊपर मोड़ अभी पहुंचने वाले हैं। देखिए एक समय यहाँ पे जंगल हुआ करता था और बहुत ही कम समय में इतना ज्यादा विकास कर गया है हमारा पंचायत। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिजली सब स्टेशन बन रहा है, हम लोग का बिजली मतलब यहीं से जाएगा। और क्या क्या है थोड़ा बात करिए, गाड़ी चला रहे हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहला होटल जो खुला था यहाँ पे यही वाला होटल था, देख सकते हैं हम लोग, और इन्हीं की वजह से लगता है। तो हाँ तो दोस्तों ये गुंडियों से थोड़ा सा आगे एक जंगल था, गर्मी के मौसम में यहाँ पे देखिए कोई बंदे ने शायद आग लगा दिया फिर अपने लग गया तो मालूम नहीं, बहुत घना जंगल हुआ करता था, आज ये जंगल उजड़ गया है। और जानते हैं कि अभी आज का कोरोना काल में कितना ऑक्सीजन का कमी हो गया था आदमी को। तो दोस्तों हम लोग को कभी भी अपना जंगल को संरक्षण करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, जैसे कभी भी हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए ऐसे। और दोस्तों हम लोग अभी तिलैया डैम पहुंचने वाले हैं, ये यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए इधर बहुत सारा पानी वगैरह दिख रहा होगा क्योंकि तिलैया डैम बहुत ही लंबा चौड़ा में फैला हुआ है और अभी बारिश अभी फिलहाल ख़त्म हुआ है, ख़त्म क्या अभी तो चलते हैं, बारिश का सीज़न ही है तो अभी पानी बहुत लबालब भरा हुआ है हर जगह पे, और इधर खेती भी अच्छा खासा हुआ है। और यहाँ पे एक फ्रेंड है जामुन का पेड़ है, जहाँ पे हम लोग जब जामुन लोग फलता है तो हम लोग आते हैं खाने के लिए बहुत ही सब दोस्तों के साथ में। ये है गोवास का चढ़ैया हम लोग इधर गोवास के चढ़ैये से फेमस कर दिए ऐसे, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे हुआ है घटना
दोस्तों अभी हम लोग तिलैया डैम पहुंच चुके हैं यार। ये देखिए पानी कितना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। यहाँ पे हमने शूट किया था एक जिंदगी की तलाश, और हो सकता है आने वाला समय में विकास बाबू का भी गाना इधर शूट हो। हाँ तो दोस्तों आप लोग इस जगह को पसंद कीजिए, क्योंकि राज भाई अब फिलहाल एक ठो गाना यहाँ से शूटिंग करके गए और काफ़ी अच्छा व्यूज है उनका, क्योंकि वो हमारा झारखंड का सुपर स्टार है राज भाई, तो उन्हें तो कह नहीं सकते, वो कोई भी जगह पर चल जाएंगे तो वो जगह फेमस ही होना है, इतना होना है। तो दोस्तों इधर भी हम लोग को ध्यान दीजिए थोड़ा और फेमस कीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये नाव है, ये नाव है, अबर ला है उठा के, ये ठोकर है, बहुत बड़ा ठोकर था, हम लोग बच गए अभी गिरते गिरते। हाँ तो दोस्तों आज मैं विकास बाबू के साथ में जब यहाँ पे आया तिलैया डैम, तो एक गाना बहुत याद आया हमें। हमारे अंकल जी जो विकास बाबू के पापा हैं, उन वो गाना गाए थे एक ठो, तिलैया डैम किनारे गोरी है बसल मोरा गाँव गे, पीपल आम बर के गोरी ठंडी ठंडी छाओगे, छोटी छोटी नदियाँ है और पहाड़ी लहकत है हरियाली गे, छाँव छाँव बिठा के गोरीले जैबया अपन गाँव गे, धर के पतली कलैया ये गोरीले जैबया अपन गाँव गे। तो यही सब छोटे छोटे पहाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ पौधे और यहाँ के अच्छे जगह के वजह से ये सब गाना को लिखा गया देख कर यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आगे ये साइड, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ रहता था पहले दोस्तों, लेकिन यहाँ पे शूटिंग भी होता था, और अबर इतना आंधी इतना तेज से चला कि सारा पेड़ गिर गया। यहाँ पे हमने भी ये गाना को शूटिंग किया था, ये मेरे दोस्त तो कहाँ चला गया, वैसा में कुछ गाना हमने शूटिंग किया था, उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। लेकिन आज दोस्तों इस पेड़ को इधर इतना पेड़ जब गिर गया तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि कितना मेहनत से लोग लगाए होंगे, और थोड़ा सा हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गाड़ी पे हैं हम तो आवाज़ थोड़ा कट जा रही है, आवाज़ हिलबिला जा रहा है। क्योंकि हम लोग खोटे भाषा से दोस्त, खट्टा भाषा सी है दोस्त बहन, से अब देख तो नहीं, खाली खट्टा भाषा के ज्यादा आगे लेके जाए हम के। अरे हिंदी ना बोल बोल ये, अब हम लोग तिलैया डैम का पुल हम लोग चढ़ने वाले हैं, देखिए बहुत ही अच्छा जगह पे है, मजा आ जाएगा दोस्तों। गाड़ी नहीं चल रहा है दोस्तों, देखिए इधर भी मजा आ रहा है, और दोस्त जब भी तुम्हें मौका मिलता तो नहीं यहाँ आओ, क्या के देख कि हमारे तिलैया डैम कितना सुंदर है, बड़ी दूर दूर के आदमी होते हैं। अरे आप घर वाले के मालूम हो रहा है, देखिए ये सारे पानी कितना है, पानी के टेंशन ना खाओ, यहाँ बोटिंग करें भी बहुत मस्त जगह है। और दोस्त ध्यान देवे पड़ता अपन तिलैया डैम के फेमस करना, आवे वाला समय में तिलैया डैम में शूटिंग होना चाहिए, बड़ा बड़ा फिल्म के फिल्म सिटी बनना चाहिए, झारखंड सरकार से गुहार है हमारा कि देखिए दोस्तों इधर पावर हाउस खुला हुआ है, मुझे पानी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इससे ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है पानी तो दिक्कत हो जाता है आपको, और इधर बोटिंग कर सकते हैं, देखिए कितना बोट है, थोड़ा सा धीरे धीरे सागर शक्ति यहाँ पे जाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, कितना बताओ कितना तारीफ करें हम, समझ में नहीं आ रहा है, तारीफ करने से नहीं होगा, क्योंकि जगह ये इतना प्यारा है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, विजिट करने आते हैं, जैसे कि बंगाल से आए हैं, देखिए दोस्तों ये गुरकवा पट्टी बिहार में घुराटे आए और गिरा लिया एंट्री बने भी नहीं विकास दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारा पेड़ गिर गया, अब आंधी की वजह से गिर गया, लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि दुनिया में दुआ बहुत काम आता है, तो उसी तरह यहाँ पे जितना भी पेड़ गिरा, इतना घर वगैरह दिख रहा है उस पर नहीं गिरा, सब साइड साइड गिरा हुआ है, यानी कि
क्षति कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सोचने वाली बात है कि दुआ काम आती है, दवा भी काम आता है, दुआ भी काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये देखिए, ये चौक पे हमारा बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है, और ये प्रतिमा हम लोग का ये याद दिलाता है कि हमारा देश का नारियों का शक्ति और हमारा पिछड़ा हुआ जातियों का शक्ति है, हमारा बाबा साहब थे। ये दामोदर घाटम निगम लिमिटेड का एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग बच्चा में थे तो इधर वाला घर के घर नहीं मिलता रास्ता कोई। ये है हमारा सैनिक स्कूल दोस्तों, झारखंड का नंबर वन सैनिक स्कूल, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। एडमिशन में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसा ये मंदिर है, यहाँ पे शादी होता है, बहुत ज्यादा शादी होता है दोस्तों। कभी आइए बरात वरात किसी का यहाँ पे करिए शादी, वो भी मिलते हैं हम लोग। और हम लोग दोस्तों अभी आ रहे हैं सैनिक स्कूल के मोड़ पे जाएंगे अभी, और बहुत अच्छा लोकेशन में हम लोग आ जाए दोस्तों। और देख लें सैनिक स्कूल में हम लोग आए हैं, और बहुत हंस रहे इन लोग, और क्या करें हंस रहे। सैनिक स्कूल का गेट है दोस्तों, ऐसे प्रवेश द्वार शुरू होता है, आप लोग आकर देख सकते हैं। और तो हो सकता है हम लोग को भी चांस मिलेगा तो हम लोग भी प्रवेश करेंगे और दिखाएंगे आपको दोस्तों। झुमरे तलैया हमने चले डैम, और देखिए लिखा है अग्रे शरद सर्वदा फॉरवर्ड एवर, हमेशा आगे रहिए, फॉरवर्ड एवर हमेशा आगे रहिए, हमेशा आगे रहना। हाँ आगे रहना, हमेशा आगे, रोड पर नहीं आगे रहना है, भीतरे चल जाइए। कहाँ एटीएम का एटीएम तो देखिए दोस्तों, हम लोग फिलहाल ही मार्केट पहुंच चुके हैं त्रिया डैम का, और अभी हम लोग लेने वाले हैं बाबू, तो आइए इनका दुकान पर। पुल पर फोटो खींचना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना, ना कोई भी कत्ल होता है, वीडियो लेना मना नहीं है भाई लोग, फोटो खींचना मना है। फोटो खींचना मना नहीं है, फोटो आप खींच सकते हैं लेकिन आप जाम नहीं लगा सकते। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? हम लोग देखिए अभी आप लोग सीन देख के, आप लोग सीन देखेंगे तो कुछ अनुभव हुआ होगा कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी तिलैया डैम आ चुके हैं, और तिलैया डैम में बहुत अच्छा सीन है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे तरफ, देख सकते हैं बहुत लंबा पुल है, और वहाँ पर लिखा था कि पुल पर फोटो खींचना मना है, लेकिन हम लोग वीडियो ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। और इधर देखिए ये पावर प्लांट में पानी जाता है मतलब डैम से, देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, गेट लगता है खुला हल्का, अपाची वहाँ पे खड़ा है वो, तो नहीं घुसेंगे हम लोग, डर लगता है डैम में उठा फेंक देगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम और विकास बाबू दोनों हम लोग आज तिलैया डैम ब्लॉग वीडियो बनाने पहुँचे हैं, तो देखिए हमारे विकास बाबू अभी वीडियो कर रहे हैं उधर अपना, और आप लोग देखिए अगर तिलैया डैम नहीं आए होंगे तो देखिए तिलैया डैम का दृश्य बहुत ही मनमोहक और बहुत ही अच्छा है जगह पे। यहाँ पे शूटिंग के लिए तो एक बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है, क्योंकि ये जगह मुझे नहीं लगता कि इसका जैसा लोकेशन और कहीं पे होगा वैसा, हमारा मतलब इस एरिया का बात करें तो। और ये बाकी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप लोग बोटिंग के लिए, और बहुत ही दूसरे दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं और बोटिंग के लिए आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, वैसा कुछ बात नहीं। अभी हम बिहाइंड करने वाले हैं अपना कैमरा को और दिखाने वाले हैं हमारा यहाँ पे तिलैया डैम का दृश्य। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा ब्रिज पर चढ़ने वाला डीवीसी ब्रिज, और ये देखें ये हमारा वायर लाइन वगैरह बिछाया हुआ है, और ये है टंकी,
ये यहाँ से थर्मल पावर प्लांट जाता है पानी, जो कि बांझडी में स्थित है। यहाँ से सप्लाई होता है, सप्लाई रूम है ये। और ये है हमारा झारखंड का मनमोहक जगह, जहाँ पे आप लोग आए नहीं होंगे कभी शायद, तो आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग होता है, बोटिंग बहुत ही यहाँ अच्छा होता है और मज़ा आ जाएगा। इधर आइएगा तो फिर जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही पानी ही पानी हर जगह पे, नीला नीला चीज देखिए। बहुत ही मस्त जगह है और बहुत ही अच्छा मनमोहक जगह है, यहाँ पे मज़ा आ जाता है हर चीज़ में। और देखिए हमारे विकास बाबू नज़र आते होंगे उधर, देखिए दृश्य ले रहे हैं कुछ, और अच्छा लगता है यहाँ पे। आइए आप लोग भी दूसरे राज्य से घूमने आइए, हमारा राज्य झारखंड, तिलैया डैम, सैनिक स्कूल, ये लोकेशन है यहाँ का, सर्च कीजिए और देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा जगह पे ये स्थित है ये जगह। यहाँ पे अगर शूटिंग लेना हो, कोई भी अगर डांसर सिंगर भाई लोग हैं और जो एक्टर हैं, अगर चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा लोकेशन में एक अच्छा व्यूज पाने के लिए चाहते हैं, तो आप लोग का एक बार बनता है यहाँ पे आने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, जितना भी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पीपल, पीपल का पेड़ है ये, जो ऑक्सीजन हर टाइम ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़, ये तो जानते ही होंगे। ये हमारा हिंदू धर्म का एक ऐसा पेड़ है जिसमें हम लोग देवी देवता के रूप में इनके पूजते हैं, और यहाँ पे सच में देवी देवता हैं। तो आइए देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है इधर, और हम विकास बाबू से जानेंगे कि कैसा फील हो रहा है इधर आकर, वो बताएंगे हम लोग को कि कैसा फील हो रहा है। ये है बोट, जूम करके दिखा दो, ये है बोट, आप लोग घूम सकते हैं इस बोट पे। तो आइए हम विकास बाबू से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं और कैसा फील हो रहा है उनको यहाँ पे आकर, क्योंकि हम लोग तो इधर के आए हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कभी भी आते हैं और जाते रहते हैं। तो आइए विकास बाबू से जानते हैं। अरे विकास बाबू थोड़ा बताइए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं विकास बाबू, आपका भाई, आपका दोस्त। तो आज हम लोग आए हैं तिलैया डैम में, और इधर बोट देखिए, 1 2 3 4 5 6 बोट आपस में टकरा रहे हैं, कुछ बहुत सुंदर आवाज़ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और देखिए आप ये सब बोट, आप देख सकते हैं, आज हम लोग आए हैं तिलैया डैम दोस्तों। तो तिलैया डैम में देखिए आप लोग, बहुत सुंदर नज़ारा है, और कभी हमको मौका मिलेगा तो शूटिंग भी करेंगे इस तिलैया डैम के किनारे में। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और हम लोग का घर बगल में दोस्तों, तो हम लोग नहीं आते हैं घूमने के लिए। चलो तो भाई लोग वीडियो में बने रहिए और सपोर्ट कीजिए हमको भाई लोग को, ताकि हम लोग आपको घर बैठे मनोरंजन करा सके मोबाइल के माध्यम से, और सपोर्ट कीजिए, इसमें सपोर्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। दोस्तों जल यानी कि पानी, ऐसा हिलोरा मार रहा है, पूरा नाव को इधर उधर टकरा रहा है, बहुत मजा लग रहा है सुनकर। हमने गाना गा, नदी में हिलोर जैसे मारे रे पनिया, ऐसन लहराए रे ए गोरी तोर नथुनिया पे नहीं लहरा रहा है, नाव है ना, नाव बहुत टकरा रहे हैं आपस में, और अभी तक हम लोग नाव में मतलब सफर नहीं किए हैं, हमने बोटिंग नहीं किए हैं, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे दोस्तों। नज़दीक होने के कारण ये सब है, अभी दूर रहता तो हम लोग शायद कर लेते बोटिंग, कर लेते हैं। हाँ तो चलो विकास बाबू चलते हैं। और देखिए अभी दूर में एक नाव है, वहाँ बोटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, देखिए दिखाई देता होगा शायद छोटे मोटे, हाँ छोटे मोटे नाव। फोटो खींच।